first from exercise 4.4, and here we have to find the unknown numbers. Okay, in the following cases, first of all we have to frame the equations. Okay, and how can we find out the equations? So देखिए सबसे पहले add 4 करना to 8 times number. तो suppose कीजिए let number is x, right? So 8 time of x will be 8x. If we add 4 to this result, we will get 60. So 8x will be 60 minus 4 होगा. 4 को transpose करेंगे to the right hand side. So 8x will be equal to 56x will be 7. तो इस तरीके से हम अननोन नंबर x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. नेक्स्ट है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं f 8 की बात करूं. इवन आल थिंक्स ऑफ ए नंबर इफ ही सी एडेड थिंक्स ऑफ ए नंबर सपोज ही थॉट ए नंबर x. इफ ही एड्स 90 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5. Right, suppose Ibrahim thinks x, okay, and if he added 19 and divided 5, it will get result 8. Okay, so hum kya karenge, 5 se agar main dono side multiply kar dunga, right, next step mein aapko karna hai 5 se dono side multiply karoge, to 5 se 5 cancel, yahan se x plus 19 equal to 40 and x equal to 21 milega. 19 को ट्रांसपोज सेट करोगे तो 40 माइनस 19 इट विल गिव यू 21. सो द फाइनल आंसर विल बी 21, और वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ अननोन विल बी 21. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है. सॉल्व द फॉलोइंग. ओके, हमें इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन देयर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7. तो हाईएस्ट मार्क कितना है? हाईएस्ट मार्क्स 87 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क. तो लोएस्ट मार्क को आपको अज्यूम करना होगा, लोएस्ट मार्क को लेट करना होगा कि वो आपका एक्स है. तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 7 इट विल गिव हाईएस्ट मार्क. हाईएस्ट मार्क सो 2x प्लस 7 इक्वल टू 87. हाईएस्ट इज 87, यहाँ से 2x 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड. 87 माइनस 7 इट विल गिव यू 2x इक्वल टू 80 एंड x की वैल्यू मिलेगी 40. ओके, सो लोएस्ट मार्क इज 40. नेक्स्ट है बी पार्ट. इन एन आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच द टू एंगल्स आर इक्वल. ओके, एंड द टू साइड्स आर इक्वल. सो हियर इन दिस क्वेश्चंस वी विल ओनली फोकस ऑन द एंगल्स. सो बीस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टिस एंगल इज 40. व्हाट आर द बीस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? रिमेंबर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरनल सम विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180. सो बेस एंगल विल बी इक्वल. सो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, हम सपोज कर सकते हैं, या फिर बी, या फिर कुछ भी आप इसको सपोज कर सकते हैं. ये वर्टेक्स ऊपर वाला, ये एंगल 40 है. अगर तीनों को मैं ऐड कर दूं, एक्स प्लस एक्स, बिकॉज आइसोसेल ट्रायंगल है, राइट, तो दो एंगल यहाँ इक्वल मिल रही है हमें 40 डिग्री. इट विल गिव एंगल सम, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x प्लस 40 विल बी 180 एंड 2x इक्वल टू 40 को ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड. सो 140 मिलेगा हमें, x की वैल्यू मिलेगा 70. सो बेस एंगल इज हियर x, सो द वैल्यू ऑफ द बेस एंगल विल बी, और मेजरमेंट ऑफ द बेस एंगल विल बी 70 डिग्री. नेक्स्ट सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर दीज रन्स फेल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी runs did is one score. Okay, so there are two players, Sachin, Rahul. Okay, suppose Rahul score x, so Sachin would score 2x because according to question. Now it is given that if their score, okay, adds, अगर दोनों का अगर score add करती है, so according to question it will fall short. टू रन्स
फ्रॉम डबल सेंचुरी, सो 200 से दो रन कम होगा, सो माइनस शॉट, शॉट होगा तो शॉट के लिए हम दो रन को यहाँ से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा दो से. ओके सो 3x हियर एंड हियर विल बी 198. सो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, सो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, या फिर मैं 3 से दोनों साइड डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 66. तो राहुल ने स्कोर किया 66, सचिन ने किया स्कोर 132. जो भी आपको पूछा गया आप वो निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. नेक्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है. इरफान हैज 37 मार्बल, हाउ मेनी मार्बल डज परमिट है. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके ओके हम ये थर्ड देखते हैं, थ्री का थर्ड. पीपल ऑफ द सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्री, द नंबर ऑफ नोन फ्रूट. ओके तो जो ट्रीज प्लांट किए गए हैं, देर आर द टू कैटेगरीज, वन इज द फ्रूट ट्रीज एंड अदर इज नोन फ्रूट ट्री. देन थ्री एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ नोन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन द थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. वट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नोन फ्रूट ट्रीज वर प्लांटेड वाज 77. So here the statement is given, the number of known fruit trees were two more than this, three times of. So how can you solve? Okay, so there are the two category, one is the known fruit and one is fruit, known fruit and fruit tree. Okay. सो अगर फ्रूट ट्री को मैं एक्स मानता हूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉन फ्रूट विल बी थ्री टाइम्स ऑफ नॉन थ्री टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्री 3x + 2. ओके एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट द नॉन फ्रूट ट्री द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इज 77. ओके आई कैन चेक. यस सो 3x + 2 ये नॉन फ्रूट ट्री है, इसकी वैल्यू कितनी है 77. दिस इज इक्वेशन एंड हाउ कैन यू सॉल्व इट, सो एक्स विल बी 25. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, हमें फ्रूट ट्री की जो संख्या है फाइंड आउट करनी है, दैट व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. सो फ्रूट ट्री वाज एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 25. सो फ्रूट ट्री द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री will be 25. Question number 4, that is the puzzle type. Okay, riddle hai, puzzle hai ek prakar se. I am a number, koi number hai, tell my identity, we have to find out the number. Okay, take me 7 times over. So suppose x number hai, 7 times will be 7x. Okay, this is second step. Add a 50, 3 step will be, third step will be 7x + 50. Okay, fourth step will be to reach a triple century. Okay, 7x + 50. तो reach करने के लिए क्या 300 को reach करना है, you still need 40. Okay, तो इसमें कितना add करना पड़ेगा, अभी 40 add करना पड़ेगा. तो हम इसको solve कर सकते हो, 7x + 90 = 300. Okay, so 7x = 90 को मैं transpose करूँगा to the right hand side, I will get 210. यहाँ 70 के माइनस कर दूंगा मैं तो मुझे 210 मिलेगा. एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 30. ओके सो वी कैन फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर ऑफ वी